फ्रेंड्स, ये मेरे पास कुछ बचे हुए पीसेस हैं। ये दो पीस ये हैं, दो ये हैं और कुछ ये कतरन पड़ी हुई है। तो कल मैंने अपनी बेटी का फुल सर्कुलर लहंगा बनाया था जिसमें से ये कतरन बची हुई है। अब इसी कतरन से मैं अपने एक छोटे बच्चे का, 2 से 4 साल के बीच के बच्चे की स्कर्ट बनाऊंगी, जो मैं अभी आप लोगों को बना के दिखाऊंगी। ये मेरे पास पीसेस हैं, इसमें मैं ब्लैक शॉटन कुछ मेरे पास पड़ी हुई है, इसका यूज़ करूंगी। तो इसमें बहुत सुंदर मैं आपको बनाते हुए बना करके दिखाऊंगी। सो फ्रेंड्स, ये जो 2 पीस थे मैंने अभी आपको बताए, अब मैं इनको ऐसे इसके साथ ज्वाइंट करने जा रही हूँ। तो पहला पीस जुड़ गया है, अब इसी तरह से मैं इसके दूसरे पीस को भी साथ में इसके ज्वाइंट कर दूँगी। सो फ्रेंड्स, दोनों पॉइंट मैंने जोड़ करके अब इसके ऊपर से मैंने ये सिलाई की मशीन सिलाई दी है, जिससे ये कलर थोड़ा सा अच्छा है। अब इसी तरह मैं एक दूसरे पर भी जो है ऊपर से फिनिशिंग वाली सिलाई दे रही हूँ, ताकि ये उठा हुआ ना दिखाई दे, क्योंकि ये ब्रॉकेट का कपड़ा है, थोड़ा खड़ा खड़ा खड़ा। सो फ्रेंड्स, ये मैंने ज्वाइंट कर लिया है। अब ज्वाइंट करने के बाद ऊपर से ये सिलाई देने के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा है, दोनों पीसेस आप देख सकते हैं। अब मैं इन दोनों को बराबर से फोल्ड करूँगी इस तरह से। अब इसको ये मैं ये अम्ब्रेला कट की तरह मैं इसको ये डबल फोल्ड करूँगी। अब इसको नीचे से, ये जो नीचे वाला गुलाई वाला पार्ट है, ये कोशिश करो कि ये दोनों बराबर पीसेस का बराबर हो। अब क्योंकि जिस बच्चे की मैं बना रही हूँ वो 3 साल का है, तो उस हिसाब से मैं ये इसमें से 6 इंच पर मैं ये सिलाई दे रही हूँ, निशान दे रही हूँ ये 6 इंच। अब इधर से मैं थोड़ा मार्क करके देख लूँगी कि ये कितना है, 5 और 5 ही में इधर से करते हैं, यहाँ से रख करके 5 इंच का मैं निशान यहाँ पे दूंगी और 5 इंच का निशान जो है यहाँ पे दूंगी। और अब मैं इसको सो कटने के बाद ये कुछ ऐसे दिखेगा। अब इसको फुल अम्ब्रेला, ऐसे भी फुल सर्कुलर भी बोल सकते हो, बट ये मैंने अम्ब्रेला कट ज्वाइंट डाल करके बनाई है, तो मुझे इसको चलो। अभी मैं बेल्ट लगाने जा रही हूँ। मैंने बेल्ट 2 इंच चौड़ी बेल्ट लगाई है, 1/2 इंच सिलाई में आएगी और बाकी वो है इसके साथ मैं अटैच कर दूँगी। ये मैंने बेल्ट लगा दी है, अब इसके ऊपर मैं फिनिशिंग की फिनिश वाली सिलाई दूंगी और इसके बाद मैं इसके इलास्टिक डाल करके ये मेरी जो स्कर्ट है, बेबी स्कर्ट, 2 से 3 साल के लड़की तैयार हो जाएगी। फ्रेंड, भी बिल्कुल ऐसे बचा हुआ पीस जिसको अक्सर हम ऐसे फेंक देते हैं बिना सोचे समझे, आप अगर थोड़ा सा उसमें देखेंगे तो आप छोटे बच्चों के लिए बहुत सुंदर सी फ्रॉक बना सकते हैं, फ्रॉक भी बना सकते हैं, स्कर्ट बना सकते हैं, जैसे कि आपके पास थोड़ा बहुत बचा हुआ कपड़ा मैचिंग हो। अभी ये बनने पर देखना फ्रेंड्स, ये बहुत सुंदर लगेगी। और छोटे बच्चे का क्या है, बढ़ने वाले बच्चे होते हैं, छोटी सी फ्रॉक है, एक सीजन में बनेंगे, चलो उसके बाद
उसका काम खत्म, और आपको बच्चे की ड्रेसेस भी ज़्यादा हो गए और आपका उसमें प्यार भी बरकरार रहेगा। और जब बच्चा पहले बार आपको अच्छा भी बहुत लगेगा कि मैंने अपने हाथ से अपने बच्चे की ड्रेस। इसमें इलास्टिक डालने जा रही हूँ, जितना अपने बच्चे के जैसे उसका कितना मोटा है कितना पतला है उसी हिसाब से आप इसमें इलास्टिक डाल सकते हो। बच्चे के जो ड्रेसेस होती हैं इसमें हमेशा सॉफ्ट वाली इलास्टिक डालनी चाहिए ताकि उसके रैशेज ना पड़े। अब मैंने इसमें इलास्टिक डाल दी है, अब मैं इसको हल्के हाथ से खींच करके अब मैं इसमें सेंटर में इलास्टिक की सिलाई चला दूँगी। सो फ्रेंड्स, मेरी जो स्कर्ट है ऑलमोस्ट तैयार हो गई है। ये मैंने इसके नीचे फ्रिल लगा दी, ऊपर बेल्ट लगा दी। अब ये मेरे पास एक छोटा सा बची हुई ये पड़ा हुआ है लेस, इसका मैं इसके ऊपर छोटा सा फ्लावर बना करके इसको लगा दूंगी और ये इसमें और सुंदर दिखेगी। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। थैंक यू वेरी मच। सो फ्रेंड्स, ये मेरी स्कर्ट अब बिल्कुल तैयार हो गई है। आप इसको देख सकते हो ये कितनी सुंदर लग रही है। तो ये मेरा पहला ही वीडियो है, आप प्लीज़ इसको लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना आपको कैसा लगा ये वीडियो। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक जरूर करेंगे, सब्सक्राइब भी करोगे और इसको इस वीडियो को शेयर भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड्स, थैंक यू।